हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका जे क्लासेस मेरठ परिवार में मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए और जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी लाइव आ गए हैं वो अपने फ्रेंड्स को अपने क्लासमेट्स को सभी को ये क्लास फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएँ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उन सभी बच्चों तक पहुँच जाए तो स्टूडेंट्स इतने सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं हम छोटा सा डिस्कशन इस बात पे कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिए तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट से पहले हमने कुछ अर्थमेटिक सर्किट्स जैसे कि एडर और सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ा हमने आपको बताया था कि अर्थमेटिक सर्किट में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होते हैं यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन होते हैं वो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन भी होता है डिवीजन भी होते हैं कुल मिला के चार हमने ऑपरेशन पढ़े हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बट हम कह रहे हैं कि मूल रूप से मुख्य रूप से दो प्रकार के ही अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसा क्यों कह रहे हैं बच्चों क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो आप देखो कि जो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है कहीं ना कहीं आप देखो तो वो सक्सेसिव एडिशन नहीं होता क्या आप ऑब्ज़र्व करें टू की टेबल को आप देखिए टू की टेबल जो होते हैं टू वन जा टू 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 जा फोर टू टू जा सिक्स टू, टू 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 फोर जा एट तो आप क्या करें हर बार दो 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 ऐड करते जा रहे हैं दो चार छः आठ दस बारह तो बेसिकली क्या करते हैं आप अगर ऑब्जर्व करें मल्टीपिकेशन भी क्या है काइंड ऑफ एडिशन प्रोसेस है सिमिलरली अगर आप बात करें डिवीजन की यानी भाग की भाग करने को तो क्या होता है जब आप भाग करते हैं किसी संख्याओं को जैसे आप 25 या 120 या 100 को 5 से डिवाइड करें तो आप उसमें उतनी बार उसे घटाते चले जाते हैं यानी आपने एक बार टेबल लगाया तो उतना वैल्यू आपने उसमें से सब्रैक्ट कर दिया तो बेसिकली डिवीजन जो होता है वो आप कह सकते हो एक तरह से का सब्टशन प्रोसेस यानी घटाव विधि ही होती है तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मूल रूप से जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं यानी गणितीय ऑपरेशन वो दो प्रकार के ही होते हैं या तो एडिशन और दूसरा होता है हमारा सब्ट्रैक्शन तो इन अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट हम प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं हमारे अर्थमेटिक सर्किट तो आर्थमेटिक सर्किट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक कवर किए हैं जो कि है एडर और सब्ट्रैक्टर का हमने बताया था कि एडर एक ऐसी डिवाइस है जो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के यानी एडिशन के लिए प्रयोग में लाई जाती है जबकि सब्ट्रैक्टर एक ऐसा सर्किट ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए यानी सब्ट्रैक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है उसका ठीक अब एडर और दोनों के ही दो दो टाइप होते हैं एडर के भी दो टाइप हमने पढ़ा हाफ एडर और फुल एडर। सिमिलरली सबट्रैक्टर के भी हमने दो टाइप पढ़े हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर क्लियर तो मैंने आपको बताया था जब हम एडिशन प्रोसेस करते हैं यानी एडर के, के केस में दो प्रकार की आउटपुट आती है एक आता है सम और एक आता है कैरी सम का अर्थ है कि जब हम बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है सम और एक्स्ट्रा बिट जो प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है हमारी कैरी तो हम चाहे हाफ एडर की बात करें या हम बात करें फुल एडर की तो दोनों में ही बच्चों क्या होता है दो आउटपुट होती हैं सम और कैरी ठीक है उसके बाद हम देखें इनके नंबर ऑफ इनपुट्स को तो जो हाफ एडर होता है वो दो सिंगल बाइनरी बिट को ऐड करने के लिए काम आता है तो हाफ एडर की इनपुट होती हैं दो जबकि जो फुल एडर होता है उसका उपयोग तीन सिंगल बाइनरी बिट को ऐड करने के लिए किया जाता है इसलिए फुल एडर में बिट होती हैं तीन सिमिलरली अगर बात करो हाफ सब और फुल सब की तो सब चाहे हाफ हो चाहे फुल हो दोनों में ही आउटपुट होती है दो पहला होता है डिफरेंस एक आउटपुट होती है डिफरेंस और दूसरी आउटपुट होती है बोरो डिफरेंस का अर्थ है जब आप किन्नी दो संख्याओं को घटाते हो तो घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है डिफरेंस और बोरो जब आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बाइनरी ऑपरेशन में हमने पढ़ा है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक बिट बोरो करते हैं एक बिट एक्स्ट्रा बिट लेते हैं वो कहलाती है हमारी बोरो तो सब के केस में भी दो आउटपुट होती हैं एक होता है डिफरेंस एक होती है बोरो अब नंबर ऑफ इनपुट की बात करें तो हाफ सब जो होता है उसमें हाफ सब का प्रयोग होता है दो सिंगल बाइनरी बिट को घटाने के लिए यानी इसकी नंबर ऑफ इनपुट हो जाएंगी बच्चों दो और अगर बात करें फुल सब की तो फुल सब का जो प्रयोग होता है वो हम थ्री बिट की यानी तीन सिंगल बाइनरी बिट को घटाने के लिए करते हैं तो सब फुल सब जो होता है उसमें तीन इनपुट हो सकता क्लियर और आपको मैंने बहुत आसान प्रोसेस बताया था क्योंकि जब हम फुल एडर का सर्किट बनाते हैं और जब हम फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट बनाते हैं तो हमें परेशानी आती है कि सब्ट्रैक्टर और एडर के सर्किट को याद रखने में अब जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना बच्चों आप जैसे हम एनकोडर डिकोडर पढ़ाने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ाने वाले हैं तो आप इन सर्किट डायग्राम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो तो आप सर के डायग्राम अगर गलत बनाओगे तो थ्योरी तो आपको गलत आपकी होनी ही है और डायग्राम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी है क्योंकि डायग्राम पे आपके बहुत सारे नंबर डिपेंड करते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन अलोंग विद डायग्राम आ रहा है तो उसमें दो से तीन नंबर आपके डायग्राम के होते हैं और दो नंबर केवल थ्योरी के होते हैं यानी पाँच नंबर के क्वेश्चन में तीन नंबर आपके ट्रुथ टेबल सर्किट डायग्राम इन सब चीज़ों के होते हैं और दो नंबर केवल थ्योरी के होते हैं तो आप समझ रहे हो कि हम हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल की होती है तो आपको सर्किट डायग्राम ट्रुथ टेबल बनाना परफेक्टली आना चाहिए और आपके डायग्राम में गलती ना हो क्योंकि थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा रीड नहीं की जाती डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो सर के डायग्राम और टुथ टेबल और एक्सप्रेशन के रूप में दिखाया जाता है तो मैंने इसका आपको तरीका बताया था कि आप टॉपिक को रटेंगे नहीं आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो चाहे एडर का केस हो या सब्ट्रैक्टर का केस हो सबसे पहले आप उसकी बनाएंगे टेबल ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका आएगा आपको बाइनरी ऑपरेशन से बाइनरी ऑपरेशन आपको बेसिकली अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बाइनरी ऑपरेशन की क्लास हमने बहुत पहले करा दी थी नंबर सिस्टम में तो आप बाइनरी ऑपरेशन की अगर आपने क्लास बच्चों नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें या फिर आपने एड्रेस ऑफ की क्लास अगर नहीं आप देख पाए या किसी वजह से किसी रीज़न की वजह से आपकी क्लास वो मिस हो गई है तो उस क्लास को आप ज़रूर अटेंड कर लें ठीक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वो क्लासेस आप प्ले में चेक कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्ले है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है इलेक्ट्रिकल के लिए भी है आप उन प्ले में चेक कर सकते हो कि आपको वो टॉपिक बहुत आसानी से मिल जाएगा तो आप उसको ज़रूर देख लें और एड्रेस ऑफ समझने के लिए बाइनरी ऑपरेशन आना बहुत ज़रूरी है क्लियर बच्चों तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपको आता है तो आप ट्रुथ टेबल बना लेंगे और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप उस ट्रुथ टेबल से आपको के मैप ड्रॉ करना आना चाहिए आप के मैप उसका फिल कर लेंगे और के मैप से आउटपुट एक्सप्रेशन निकाल लेंगे एडर के, के केस में सम और कैरी का और सप्ट्रैक्टर के, के केस में डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन आप निकाल लेंगे और आप सभी को मैंने बताया था अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो आप एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट उसका आसानी से बना सकते हैं तो चाहे एडर हो हाफ एडर फुल एडर चाहे सबट्रैक्टर हो हाफ सब्ट्रैक्टर या फुल सब्ट्रैक्टर दोनों के ही केस में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है ठीक है बच्चों? तो आज हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनकोडर ये एनकोडर भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है मैंने कहा था एडर के केस में फुल एडर बहुत इंपॉर्टेंट है और सब हाफ और फुल दोनों ही आने की पॉसिबिलिटी है उसके बाद बात करें अपने एनकोडर सर्किट की तो एनकोडर क्या होता है एनकोडर एक प्रकार की युक्ति है ये एक डिवाइस है एक युक्ति है इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी मैंने लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास हिंदी लैंग्वेज वाले हैं और कुछ इंग्लिश वाले हैं तो दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो उसको कंसिडर करते हुए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टर्म लिखेंगे बच्चों तो ये जो डिवाइस है हमारी एक प्रकार की डिवाइस है जो किसी प्रकार के नंबर को किसी संख्या को किस में चेंज करती है कोड में चेंज करती है देखिए आप कोड्स की अगर हम बात करें कोड्स क्या होते हैं ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करेगी ये चीज़ जब हम क्या करते हैं किसी एक प्रकार की संख्या पद्धति को किसी दूसरे प्रकार के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसा क्यों करते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं उस संख्या को किसी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं कोड कौन कौन से हो सकते हैं जैसे कि आपका बीसीडी कोड एक्सेस थ्री कोड तीन प्रकार के हो सकते हैं और तीसरा है ग्रे कोड ठीक है ये तीन प्रकार के कोड होते हैं तो नंबर को किसी डेसिमल या बाइनरी अंक को इन कोड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है एन कोडिंग किसी नंबर को किसी कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता लाता है हमारा एनकोडिंग और ऐसा सर्किट जो किसी संख्या को या किसी नंबर को कोड में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है एनकोडर कहलाता है तो इतना आपको समझ में आ गया इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए यहां पर हमने ब्लॉक के रूप में मैं ऐसे मिटा दे रही हूँ आप ये नोट कर लें कि तीन प्रकार के हमारे कोड होते हैं इसे मैं रब करने वाली हूँ फिर देखिए हमारे इसमें केस में एनकोडर के लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करा है ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं एनकोडर का ब्लॉक है एनकोडर अलग, अलग अलग प्रकार का हो सकता है जैसे इसमें मान लिया कोई एन इनपुट होंगे यानी एनकोडर में नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं एन कुछ भी हो सकती है वो संख्या दस हो सकती है आठ हो सकती है जैसे एक होता है हमारा डेसीमल टू बी सी डी एक एनकोडर हो सकता है हमारा डेसीमल टू बी सी डी तो आपको पता है डेसिमल में इनपुट कितने होते हैं दस और बी में कितने होते हैं फोर तो ये क्या हो गया टेनिस टू फोर का डिकोडर दूसरा हो सकता है हमारा ऑक्टल टू ऑक्टल टू बाइनरी हो सकता है और आपको पता है ऑक्टल में संख्याएँ कितनी होती हैं आठ और बाइनरी में कितने बाइनरी में ऑक्टल को कितने से रिप्रेजेंट करते हैं तीन आपको जब हमने ऑक्टल टू बाइनरी का कन्वर्जन समझाया था तो बताया था ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फोर टू वन कोड का प्रयोग किया जाता है तो यानी इसमें बाइनरी के तीन बिट प्रयोग किए जाते हैं ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यानी हम देखते हैं एनकोडर हमारी आवश्यकता के अनुसार या नंबर के अनुसार और कोड के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं टेन एस टू फोर एनकोडर एट इस टू थ्री एनकोडर जो हमारा डेसिमल को बी में चेंज कर रहा है या हमारा ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज कर रहा है तो कई प्रकार के हो सकते हैं तो इसको हमने एक साधारण ब्लॉक के रूप में दिखाया है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं एन और एनकोडर क्या करता है उसको एम आउटपुट में चेंज करता है यानी ये किसी संख्या को किसी नंबर को किसमें चेंज करता है कोड में चेंज कर देता है क्लियर बच्चों आपको हमेशा कहा जाता है कि आप प्रीवियस क्लास जरूर देख लो क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम हमें कहाँ पे काम आ रहा है तो नंबर सिस्टम हो के मैप हो कोई सा भी टॉपिक हो लॉजिक गेट का टॉपिक हो अगर आपको लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप लॉजिक सर्किट को कैसे समझाएंगे तो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं जो दिए गए हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आप प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देख पाते हो आप किसी वजह से मिस कर जाते हो तो जब भी आपको समय हो आप उस क्लास को ज़रूर देख लें और जो बच्चे हमारे साथ पहली बार आए हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि आप ज़रूर क्लासेस जो प्रीवियस आपको प्ले है उसमें आप चेक कर सकते हैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपकी आए वो आप तक पहुंच जाए या फिर क्लासेस का रेगुलर शेड्यूल जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नेम बच्चों आपको लगातार स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी आपको रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा दूसरी बात डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स मिलेंगे क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ जाओगे लेकिन थ्योरी लिखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मैंने कहा कि पाँच नंबर में से दो से तीन नंबर हमारे होते हैं डाइग्राम के उसी तरह से दो से तीन नंबर थ्योरी के भी होते हैं तो हम डायग्राम का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लास में समझा ही रहे हैं लेकिन थ्योरी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आप उसकी थ्योरी किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं थोड़ी कम से कम थ्योरी हमें लिखनी है और इफ़ेक्टिव वे में लिखनी है तो उसके लिए हम आपको पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार किए जा रहे हैं तो आप उन नोट्स को भी एक बार रेफर कर लें ज़रूर देख लें तो आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिलने वाले हैं जिससे आपको सही तरीका थ्योरी लिखने का पता चलेगा और बी टी यू पी की जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिस आते हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाएंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अगर आप ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो बाकी अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को आपके डिप्लोमा के क्लासमेट्स हैं सभी को वो टेलीग्राम चैनल नेम शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें उन तक भी नोट्स पहुंच सकें उन तक भी इंपॉर्टेंट जानकारी क्लास का शेड्यूल ये सारी चीज़ें पहुंच सके तो आप लगातार बस हमारे साथ जुड़े रहिए रेगुलर क्लासेस लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी सर्किट आपको बनवाए जाते हैं उन सर्किट्स की आप खुद भी कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कीजिए जो आपको सर्किट डायग्राम बनवा दिए उसका मतलब यह नहीं आप समझ गए हो गया नहीं रिविज़न Re बहुत ज़रूरी है आप उन सर्किट्स की घर पर प्रैक्टिस करें क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा जो सारा नंबर का खेल है वो बहुत सर्किट डायग्राम ट्रुथ टेबल इन्हीं पर डिपेंड करता है अगर मैं बात करूं थ्योरी और डायग्राम वेटेज की यानी टूथ टेबल इन सब के वेटेज की तो यानी सेवेंटी थर्टी या सिक्सटी फोर्टी का रेशियो रहता है थ्योरी की इम्पोर्टेंस कम होती है सर्किट और टूथ टेबल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर इसके एनकोडर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर को समझाया गया है यहाँ पर क्या है ये पुश बटन लगाए गए हैं दस पुश बटन लगे हैं जीरो से नाइन तक कितने पुश बटन लगे हैं टेन पुश बटन लगे हैं ये टेन पुश बटन जो होते हैं ये हमारे डेसिमल अंकों को प्रदर्शित करते हैं तो जैसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर पुश बटन प्रेस करेंगे तो आउटपुट जो प्राप्त होगा वो इन और गेट के द्वारा प्राप्त होगा आप देख रहे हो इसमें एक दो तीन चार और गेट लगे हैं ये और गेट जो हैं ये बीसीडी कोड को प्रदर्शित करते हैं आप जानते हैं बी सी डी कोड में चार अंक होते हैं है ना तो बी सी डी कोड को हम एट फोर टू वन कोड भी कहते हैं तो ये वाला हमारा वन के लिए फोर के लिए वन फोर टू एट के लिए तो ये चार जो बी सी डी के अंक हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हमने चार ऑर्गेट लगाए हैं अब इसकी वर्किंग कैसे काम करेगी जब हम पुश बटन जीरो को प्रेस करेंगे तो पुश बटन जीरो को प्रेस करने पर आप देख रहे हो जीरो वाली लाइन से कोई भी और गेट कनेक्ट नहीं है तो कोई भी और गेट एक्टिवेट नहीं होगा मीन्स आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा जीरो ही आएगा लेकिन जैसे ही आप वन वाले पुश बटन को प्रेस करोगे तो वन मतलब है जो इकाई का अंक है ये एक्टिवेट होना चाहिए यानी डी वाला ऑरगेट एक्टिवेट होना चाहिए तो जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करोगे तो ये वाली लाइन जो है ये क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी और बाकी सारी लो पोटेंशियल पर है क्योंकि ये हाई लाइन किससे कनेक्ट है हमारे डी ऑर्गेट से संबंधित है तो जब आप जानते हैं और गेट में कोई भी एक इनपुट वन होता है तो आउटपुट क्या प्राप्त होता है हाई यानी वन ही प्राप्त होता है तो आउट ये वाला आउटपुट पर जो हमारा और गेट है डी डी नंबर वाला जो और गेट है ये एक्टिवेट हो जाएगा और कोड प्राप्त होगा तो हो जीरो, तो जीरो 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 वन तो जब इनपुट होगी ज़ीरो तो आउटपुट आएगा जीरो ज़ीरो ज़ीरो इनपुट है और ये क्या है आउटपुट दूसरे केस में जब इनपुट वन है तो आउटपुट प्राप्त होगा ज़ीरो जीरो वन फिर जब हम टू को प्रेस करेंगे तो टू को प्रेस करने पर ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी अब ये हाई हो जाएगी तो ये सी एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी ए बी डी क्या रहेंगे जीरो यानी कोड हो जाएगा ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो ठीक उसके बाद जब आप पुश बटन थ्री प्रेस करोगे पुश बटन थ्री प्रेस करने पर बाकी सारी लाइनें लो होंगी और थ्री वाली हाई हो जाएगी ठीक है आप देखो थ्री वाली लाइन जो संबंधित है इससे संबंधित है इस वाले और, गेट से, और हमारी है इस वाले और गेट से भी संबंधित है देख रहे हो आप ये तीन इन दोनों से जुड़ी है तो ये भी क्या हो जाएगा हाई तो थ्री इक्वल्स टू हो जाएगा ये जीरो ये जीरो और ये दोनों क्या हो जाएंगे वन वन फिर जब हम फोर वाली लाइन को हाई करेंगे तो ये तो दोनों जीरो हो गई लो हो गई जब हम फोर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे फोर प्रेस करने पे कौन कौन से आउटपुट गेट एक्टिवेट होंगे तो फोर से एक तो ये कनेक्ट है हमारा ये वन हो गया और फोर से और कोई गेट कनेक्ट नहीं है तो क्या हो गया ज़ीरो ज़ीरो तो आउटपुट आ गया ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो फिर फाइव प्रेस करेंगे फाइव प्रेस करने पर आप देख रहे हो फाइव वाली लाइन यहाँ पर कनेक्ट है एच और यहाँ पर कनेक्ट है एच तो ये ज़ीरो ये वन ये जीरो ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा वन तो आउटपुट आ गया ज़ीरो वन ज़ीरो वन इसी तरह से सिक्स प्रेस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा ज़ीरो वन 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 ज़ीरो सेवन पे हो जाएगा ज़ीरो वन 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 एट पे हो जाएगा वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो और नाइन पे हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन नाइन के लिए कंडीशन देख लो आप नाइन के लिए ये वाला पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये वन हो जाएगा तो ये वाला आउटपुट वन हो गया इस पर कुछ कनेक्टिंग है तो ये ज़ीरो ये भी क्या रहेगा ज़ीरो नाइन वाली यहाँ भी कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा वन तो आउटपुट आ जाएगा वन जीरो जीरो वन तो आप देख रहे हो इनपुट क्या थी डेसिमल में थी और जो आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है वो किस में मिल रहा है बी सी डी में मिल रहा है तो इस तरीके से हमने इस सर्किट की सहायता से क्या करा डेसिमल इनपुट को किस में चेंज कर दिया बी सी डी कोड में चेंज कर दिया तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू बी सी डी एन ठीक है बच्चों तो इसका सर्किट आप बना लेंगे इसके सर्किट को आपको थोड़ा ध्यान रख के बनाना होगा देखिए याद करने का तरीका बता देती हूँ आपको पता है कि ये वाला जो है ये हमारा वन ज़ीरो ज़ीरो वन है यानी जो प्रथम गेट है वो किस किस से कनेक्ट है आप देख लो जहाँ जहाँ वन है किस से नाइन से एट से और किसी से कनेक्ट नहीं है देख रहे हो नाइन से एट से फिर दूसरे गेट पे आओ दूसरा गेट ये जीरो फिर ये किससे कनेक्ट है सेवन से तो इससे किससे कनेक्ट कर दो सेवन से दूसरी वाली बिट फिर किससे कनेक्ट है सिक्स से कनेक्ट कर दो फिर दूसरी वाली बिट किससे कनेक्ट है फाइव से भी कनेक्ट है ये वाला हमारा दूसरा वाला गेट आप देख रहे हो पहले गेट के लिए आप ये बिट देखोगे तो पहला गेट केवल पहली बिट देख लो कहाँ कनेक्ट है एट और नाइन से दूसरी बिट के लिए देखो कहाँ कहाँ कनेक्ट है सेवन से सिक्स से फाइव से तो दूसरा वाला कनेक्ट कर दो सेवन सिक्स फाइव से तीसरा वाला देखो कहाँ कनेक्ट है सेवन से सिक्स से और थ्री से और टू से तो तीसरा वाला सेवन सिक्स थ्री टू से लास्ट वाला जो है हमारा ए वाला ये कनेक्ट है नाइन से सेवन से फाइव से थ्री से और वन से तो नाइन सेवन फाइव थ्री वन ये इससे कनेक्ट कर दिया तो अगर आपको डेसिमल का इक्विलेंट बी सी डी याद है तो आप इससे ये वाला सर्किट डायग्राम बना सकते हो ठीक है या फिर और तरीका भी आप याद करके रख सकते हो जैसे यहाँ पर एक छोड़कर एक छोड़कर एक इससे कनेक्ट है फिर एक छोड़ दिया फिर इससे फिर इससे फिर एक छोड़कर कनेक्ट है यहाँ पर ये दो कनेक्ट है फिर दो छोड़ दिए फिर दो कनेक्ट है फिर दो छोड़ दिए यहाँ पर ऊपर के ही इन्होंने तीनों छोड़े आप जिस तरीके से याद करना चाहते हैं वैसे आप याद कर सकते तो आप अगर बी सी डी कोड आता है तो डेसिमल आपको पता है इक्विवेलेंट क्या होता है बी सी डी डेसीमल नंबर का बी सी डी इक्विलेंट क्या होता है आप उससे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप बात करते हैं हमारी आईसी की इस डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर के लिए जो आईसी प्रयोग में लाई जाती है वो है सेवन फोर वन सेवन वन फोर सेवन सेवन फोर वन फोर सेवन आई का प्रयोग किया जाता है ये आप देख रहे हो ये हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन ये कितनी पिन की आईसी है सोलह पिन की आईसी है ठीक है तो ये भी डीआईपी में है, डी लाइन पैकेज में है इसकी आठ पिन इधर है और आठ पिन इधर है आपको पता है पिन नंबर आठ जो है वो ग्राउंड पिन है पिन नंबर सोलह जो है वो वी -सी -सी पिन है बाकी आप यहाँ पर देख रहे हो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी ठीक है आप इसको याद रखने का तरीक, तरीका रखिए ये ग्राउंड पिन ये वी -सी -सी. और पिन नंबर पंद्रह जो है नो कांटेक्ट पिन बाकी पिन नंबर आप देखेंगे चौदह यानी ए फिर बी सी डी ये क्या हो गई चार आउटपुट पिन है हमारी तो आउटपुट पिन कौन कौन सी हो गई पहले आप सप्लाई पिन निकलो सप्लाई पिन हो गई हमारी आठ और सोलह और नो कांटेक्ट पिन हो गई हमारी पंद्रह और आउटपुट पिन हो गई कौन कौन सी हैं चौदह चौदह छ सात और नौ देख रहे हो ना ए बी सी डी और रिमेनिंग क्या होती है हमारी इनपुट पिन जो होती हैं वो रिमेनिंग पिन रिमेनिंग कौन सी हो गई एक दो तीन हो गई चार हो गई पाँच हो गई छः सात यहाँ हो गई आठ भी आ गई नौ भी आ गई दस आ गई ग्यारह बारह तेरह चौदह यहाँ आ गया पंद्रह यहाँ आ गया सोलह यहाँ तो ये जो होती है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये टेन पिन होती हैं कि कौन सी इनपुट पिन कौन सी डेसिमल के लिए ये हमारी हो गई इनपुट पिन कौन सी उसके लिए डेसिमल को फीड करने के लिए ठीक है तो कुल मिला के हमने पढ़ा एनकोडर क्या होता है एनकोडर एक प्रकार की युक्ति है जो एन इनपुट्स को एम आउटपुट में चेंज करते हैं या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो एक प्रकार की संख्या को एक रिक्वायर्ड कोड में कन्वर्ट करती है एनकोडर की कार्यविधि को समझने के लिए डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर का सर्किट डायग्राम चित्र में दिखाया गया है जहां इनपुट प्रदान के करने के लिए दस पुश बटन प्रयोग किए गए हैं जो जीरो से नौ तक के अंकों को प्रदर्शित करते हैं आप लिख देंगे किसी दो तीन का पुश बटन वन प्रेस करने पर दी और गेट एक्टिवेट हो जाता है और आउटपुट प्राप्त होती है ज़ीरो जीरो वन पुश बटन फाइव प्रेस करने पर एक्टिवेट हो जाते हैं पिन हमारे बी और डी तो आउटपुट प्राप्त होती है ज़ीरो वन ज़ीरो वन ये टेबल आप बना देंगे और सर्किट डायग्राम एनकोडर आईसी के रूप में यानी डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर के रूप में सेवन फोर वन फोर सेवन आई का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है जिसमें सप्लाई पिन हमारी आठ और सोलह पंद्रह होती हैं नो कॉन्टैक्ट पिन और आउटपुट पिनों के रूप में चार पिन रिजर्व होती हैं जो कि होती हैं चौदह छः सात नौ और इनपुट पिन होती हैं दस जो कि डेसिमल इनपुट को फीड करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो कुल मिला के ये टॉपिक हमारा बस यहीं पे ख़त्म होता है अगली क्लास में बच्चों हम लेकर आएंगे डिकोडर टॉपिक की डिकोडर सर्किट क्या होता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनकोडर या डिकोडर में क्वेश्चन आ जाता है यूजवली तो आपको उस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्लास में टाइम से आना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अगली क्लास में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी थैंक यू सो मच जय हिंद जय जै भारत